तो अभी गाइस फिलहाल मैं कार के अंदर में बैठ चुका हूँ और ये देखो भाई, किसी ने इसको ब्लड से फाड़ दिया है ये कवर को। भाई ये रोड है ना, यहाँ पे इतना सारा काम किया हुआ है लेकिन यहाँ पे छोड़ दिया है। पता नहीं भाई सरकार को क्या चाहिए भाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। एक वापस से नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। और अभी फिलहाल भाई मैं घर के पास हूँ और शाम के बज रहे 3। तो अभी का प्लान है भाई कि वो जो कार का जो कवर है ना उसको निकालना है। और ये देखो भाई, किसी ने इसको ब्लड से फाड़ दिया है ये कवर को। तो अभी इसको निकालना है और अभी फिलहाल मैं इसलिए निकाल रहा हूँ, वो मैं अभी बाद में बताऊंगा। बट सबसे पहले इसको ये बाइक को भी हटाना पड़ेगा, तभी जाके कार निकलेगा। तो चलो यार, पहले बाइक को निकालते हैं, उसके बाद साइड में लगाते हैं, उसके बाद उसका कवर निकालेंगे। चलो निकालते हैं यार। तो अभी गाइस फिलहाल मैं अपना बाइक को यहाँ पे रख दिया हूँ और अभी ये कवर को हटाना पड़ेगा। तो चलो भाई कवर को हटाते हैं। तो अभी गाइस कवर को तो हटा दिए, बट देखो बहुत ज्यादा यहाँ पे धूल बैठ चुका है। तो चलो यार पहले धूल को हटाते हैं, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे भाई यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे तो यहाँ नाम लिखा जा रहा है। पता नहीं यार, इतना परफेक्ट तरीका से घेरा हुआ है फिर भी जा करके भाई इतना गंदा बैठ जाता है। तो चलो यार सफा करते हैं। तो ये भाई अपने कार को पहले सफा कर लेते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा बैठ चुका है। आज हम लोग बहुत मस्त जगह पे जाने वाले हैं, मतलब ग्राउंड जाने वाले हैं, बहुत मज़ा आएगा। तो गाइस ट्राइपॉड ले लेते हैं भाई, क्योंकि शूट तो करना पड़ेगा आज ट्राइपॉड से। तो अभी गाइस फिलहाल मैं अपना कार वगैरह पोंछ लिया हूँ, मस्त चकचक हो चुका है और अभी भाई निकल चुका है जाने के लिए। तो अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं एक जगह पे। तो अब हम लोग निकल चुके हैं भाई ग्राउंड की ओर। तो आज बहुत दिनों के बाद ये ट्राइपॉड से, न्यू ट्राइपॉड है, इससे मैं ब्लॉग करूंगा, तो दिखना बहुत मजा आएगा। तो अभी फिलहाल मैं पहुंचने ही वाला हूं। देखो भाई ये रोड है ना, यहाँ पे इतना सारा काम किया हुआ है लेकिन यहाँ पे आधा छोड़ दिया है। पता नहीं भाई सरकार को क्या चाहिए भाई। यहाँ लास्ट बगल में पुल भी है, तो पुल की वजह से मेरे को लगा बनाया नहीं है रोड को। अभी तो 2 साल हो चुका है ये पुल का, बट अभी तक अच्छा से ये रोड को बनाया नहीं गया है। तो देखते हैं कब तक लगेगा भाई टाइम बनाने में। मुझे नहीं लगता कि ये बनाएगा यार, क्योंकि अगर बनाना रहता तो कब का ही बना चुके होते हैं। लेकिन अभी देखो, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहना। और भाई मैं अभी कार से उतर गया हूँ, ग्राउंड में हूँ। और भाई ये जस्ट बगल में कुछ पत्थर वगैरह रखा हुआ है, तो ये पत्थर को मेरे को हटाना पड़ेगा। तो चलो यार हटाते हैं, क्योंकि भाई आज मैं बताने वाला हूँ कि आज मैं यहाँ करने के लिए क्या आया हूँ। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल है, मेरा जो उतना दिन का मेहनत भी पूरा सफल हुआ, थोड़ा मोड़ा मेरे को लगता है सफल हो ही गया होगा। तो भाई ये पत्थर को उठा करके यहाँ रख दिए हैं और एक पत्थर है उसको भी साइड में जा करके रख देते हैं। यहाँ है पता नहीं, एक हाथ से उठेगा तब तो। तो आज भाई अपना ट्राइपॉड से फर्स्ट टाइम बहुत दिनों के बाद मतलब इससे वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अच्छा होगा भाई। तो भाई एक बात मैं और बताना चाहूँगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कार सीख रहा था और उसके बाद कुछ दिन गैप छूट गया था, उसके बाद मैं ग्राउंड आता भी नहीं था। तो अभी का प्लान है कि मैं कार सीखने के लिए आया हूँ और बहुत मैं सीख भी गया हूँ। तो आज मैं आप दिखाने वाला हूँ भाई कि मैं आज कितना कार चलाना सीख गया हूँ। अभी का फिलहाल मेरे नाना जी गए हुए हैं भाई वो कार सीखने के लिए। और देखो अभी फिलहाल मेरे नाना जी बैठ चुके हैं, इनको अभी बता रहे हैं भाई। मेरे को लगता है ना इनको बहुत सब चीज़ पता चल गया है कार के बारे में, और मेरे को भी थोड़ा मोड़ा पता चल गया होगा। तो ये पूरा वीडियो आज का पूरा कार सीखने में ही जाएगा, बहुत ही मज़ा आएगा भाई इस वीडियो में देखने में। और हाँ भाई, चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भाई तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा मेहनत करता है, तो तुम लोग यार थोड़ा सा सपोर्ट किया करो। अभी चलो भाई, मेरे नाना जी चले गए हैं, ये फर्स्ट स्टार्टिंग कर दिए हैं भाई। कम से कम मेरे को लगता है आधा घंटा यहाँ पे वो ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर मेरा पारी आएगा तो मैं जाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा। तो आप लोग लास्ट तक ब्लॉग पर बने रहना यार। तो गाइस तब से मेरे नाना जी चला रहे हैं, पता नहीं भाई मेरा टाइम कब आएगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इससे पहले तो मैं चला भी रहा था, लेकिन अब तो मेरे को पूरा सारा जानकारी भी हो चुका है। अभी फिलहाल मेरे को ग्राउंड में ही दे रहा है, मेरे को लग रहा है कि मैं रोड में भी चला लूंगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई मार्केट घुसाने में, बट वो भी मेरे को मिल जाएगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई मैं कार कैसे चलाता हूँ। ये तो मेरे को लग रहा है ना भाई, जो कार नहीं सीखा हुआ है उसके लिए तो बहुत ही स्पेशल ये वीडियो है आपके लिए। तो भाई आप लोग वीडियो को ना पूरा देखना। ओ भाई, मैं तो बाइक का चाबी लेकर के आ गया हूँ यार, अगर किसी को कहीं जाना होगा तो भाई पता नहीं मेरे क्या दिक्कत है, कॉल करेगा मेरे को और क्या। तो मेरे को नहीं लगता है कि कोई जाएगा, क्योंकि फिलहाल तो सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं।
तो अभी गाइस फिलहाल मैं कार के अंदर में बैठ चुका हूँ। फर्स्ट मैं चलाता हूँ यार, पहले तो मेरा नाना जी चला रहे थे, अब मेरा पारी है चलाने का। तो पहले मेरे को गियर लगाना नहीं आता था, लेकिन अभी फिलहाल बहुत हद तक मेरे को गियर लगाना भी आ गया है। तो चलो भाई पहले कार को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद थोड़ा राउंडिंग लेते हैं यार। तो चलो यार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, पहले क्लच को पूरा दबाए रखे हैं, उसके बाद फर्स्ट एक गियर लगाते हैं और क्लच को भाई धीरे धीरे छोड़ेंगे, उसके बाद थोड़ा कार को, अभी कार आगे बढ़ेगा। तो कार हमारा स्टार्ट हो चुका है और फर्स्ट गियर लगा रहे हैं, एक गियर लग चुका है अब चलो। तो गाइस मुझे लगता है कि भाई मैं पहले से बहुत ज्यादा अच्छा चला रहा हूँ, क्योंकि पहले जो एक्सीलेटर होता था ना भाई, वो मैं बहुत कस के दबा देता था, तो भाई गाड़ी पूरा जोर से आगे निकल जाता था। अभी फिलहाल मेरे पैर में कंट्रोल आ चुका है, तो अच्छा लग रहा है भाई चला के। तो अभी मुझे बहुत सा चीज सीखना बाकी है, क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं चला ही रहा हूँ और अभी कार के बारे में मेरे को उतना जानकारी भी नहीं है। यार पता नहीं मेरा मोबाइल को क्या हो गया, बहुत ज्यादा हीट हो जाने के कारण भाई बंद बार बार बंद हो जा रहा है। तो गाइस आज का कार मैं यहाँ पे सीख लिया हूँ, मुझे लगता है मैं सीख गया हूँ थोड़ा मुड़ा। अब चलेंगे भाई हम लोग घर, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना भाई वीडियो आपको कैसा लगा।